हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई क्लोज टू दी सेंटर ऑफ रिंग। सो बेसिकली वी हैव रिंग एंड नियर टू दैट सेंटर ऑफ दैट रिंग वी हैव वन चार्ज ई एंड ऑन दिस रिंग वी हैव चार्ज क्यू। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स डिस्टेंस, सो दैट फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो दैट्स दी फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूला होगी, यहाँ पर अंडर रूट की जगह यहाँ पर रेज टू 3/2 होगा। एंड नाउ फोर्स बिटवीन दिस ई एंड क्यू, दैट फोर्स इज एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू स्मॉल ई। ओके, अब यहाँ पर फोर्स फॉर्मूला है। फोर्स का दूसरा फॉर्मूला है दैट इज एम ए। सो एम ए इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू ई, राइट। सो अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाऊँ तो यहाँ से एम निकल जाएगा राइट हैंड साइड, यहाँ पर एम आप पहुँच जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली ए की एक और फॉर्मूला है दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसमें से ओमेगा फाइंड करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, और माइनस अगर नेगलेक्ट नहीं भी करेंगे, जब वैल्यूज अंदर रखेंगे नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, दैट्स वाई ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन एक्स। बाय पुटिंग हियर वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू प्योर अंडर रूट क्यू एक्स हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, क्यू ई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू स्मॉल एम, राइट। सो दैट इज अवर ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर हम लोग इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी की यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे 2π/T, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, सो दैट इज इक्वल टू 2π अंडर रूट यस ओमेगा, सो दैट इज अवर क्यू ई अपॉन 4π/ε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू एम। सो दैट इज अवर टी पीरियोडिक टाइम फॉर्मूला। ओके, अब फिर से यहाँ पर अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव डी ई अपॉन डी एक्स, एंड एट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पर वो जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा। सो इसका अभी डिफरेंशिएशन अगर लेंगे तो डिफरेंशिएशन फॉर दिस 1/dx इंटू 1/4π/ε0 क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, बाकी जितने भी कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड जाने से कैंसिल हो जाएंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू टर्म्स, d/dx एक्स एंड सेकेंड इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन लॉ फॉर डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म डिफरेंशिएशन पावर अहेड पावर -1, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -5/2 इंटू इन दी ब्रैकेट आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, दिस टर्म डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2, फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन इज 1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज द ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पर अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो सिंप्लीफिकेशन इज -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -5/2 इंटू 2x² प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2 इज इक्वल टू 0। सो दिस टर्म राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड टर्म नाउ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2 इज इक्वल टू 3/2
2 gets cancelled out, so no need to write here 2. 3 into r square plus x square raised to minus 5 by 2 into x square. So here this term gets cancelled out, this and this. So we are only left with this term x square. तो वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर माइनस था तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, माइनस बिकम्स प्लस हियर, सो 3r स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो यहाँ पर x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, सो वी गेट हियर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके यस वी आर मिसिंग हियर समथिंग दैट यहाँ पर 3 दोनों के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक ही टर्म जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये टर्म राइट हैंड साइड, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, सो एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 2. सो दिस इज द डिस्टेंस वेन वी गेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. So from center at this distance we get maximum electric field, and if we want to find that maximum electric field then we have to put this formula here and again simplify it, right? So that's your homework guys, you have to put this formula into this equation and find the maximum electric field at this distance, right? So that's it for today. Thank you. Please like and subscribe.